सो हाई एवरीवान स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में तो जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में अभी भी बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को प्रॉब्लम हो रही है आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है जैसे कि आधार एरर की प्रॉब्लम बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप का एक न्यू वर्जन आ चुका है चौदह का तो सभी आंगनबाड़ी बहनें सबसे पहले तो चौदह पॉइंट सिक्स का जो नया अपडेट आया है ठीक है तो उसको आप लोग प्ले स्टोर में आइएगा यहाँ पे सर्च कीजिएगा पोषण ट्रैकर पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप लोगों को सिंपली यहाँ से अपडेट कर लेना है और जैसे कि इस अपडेट में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम ठीक हो सकती है जैसे कि यहाँ पर जो अपडेट है एक ही अपडेट है वेरीफाई आधार हॉट फिक्स यानी कि आप लोगों को आधार वेरीफाई करने में जो एरर की प्रॉब्लम आ रही थी प्रोफाइल अपडेट जल्दी से नहीं हो पा रहा था और भी तमाम तरह की जो परेशानी हो रही थी वो इस अपडेट के करने से आप लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम ठीक हुई है तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ से अपडेट कर लेना है ठीक है उसके बाद जब तक ये अपडेट हो रहा है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को हमारे वीडियो से अगर सीखने को मिलता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो भी आंगनबाड़ी बहने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं वो नीचे रेड कलर के, के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोषण ट्रेकर ऐप अपडेट हो चुका है अपडेट होने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं ठीक है तो जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी चेंजिंग अभी नहीं आप लोगों को देखने को मिला है जैसा आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप ओपन होता है सिंपली वैसे ही ओपन हुआ है और यहाँ पे बेनिफिशियरी वाली कैटेगरीज़ को हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको प्रोफाइल अपडेट करके दिखाएंगे जैसे कि प्रोफाइल अपडेट करने के बाद उसी टाइम आप लोगों का प्रोफाइल अपडेट हो नहीं आता है जिससे कि आप लोग वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो चलिए अब हम यहाँ पे किसी एक लाभार्थी के प्रोफाइल अपडेट में जाके देखेंगे कि प्रोफाइल अपडेट करने के बाद क्या उसी टाइम वो अपडेट होके आ जा रहा है या फिर कुछ टाइम ले रहा है जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक कैटेगरी को हम ओपन कर लेते हैं छः माह से तीन साल वाले बच्चों की कैटेगरी है और यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर हमने तो सभी बच्चों का प्रोफाइल अपडेट करके आधार वेरीफाई कर लिया है यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं लगभग हंड्रेड परसेंट हमने कर लिया है तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको प्रोफाइल अपडेट करके दिखा देते हैं कि वो उसी टाइम प्रोफाइल अपडेट हो के आ रहा है या नहीं तो यहाँ पे थ्री डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट में आ जाएंगे देखिए प्रोफाइल अपडेट में आने के बाद अगर आप लोग उनके माता या पिता के आधार से वेरीफाई कर चुके होंगे तो जो आधार नंबर है या माता का नाम है या डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार वेरीफ़ाई हो जाने के बाद और अगर आप कुछ चेंजिंग भी करना चाहें तो यहाँ पे बच्चे के नाम में चेंजिंग कर सकते हैं उसके पिता के नाम में चेंजिंग कर सकते हैं या फिर बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो चेंजिंग कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे हम बच्चे के पिता के नाम को चेंज करके देख लेते हैं कि वो चेंज होके आ रहा है या नहीं तो यहाँ पर हम ब्रिजनंदन कुमार डाल देते हैं वहाँ पर ब्रिजनंदन यादव था तो यहाँ पे हम नंदन कुमार जो इसके पिता का नाम है उसमें चेंजिंग करके देखते हैं कि क्या वाकई इसमें चेंजिंग हो के उसी टाइम आ रहा है तो यहाँ पे हम सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे देखिए जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम तो ये मैसेज पहले भी आ रहा था अब भी आ रहा है तो चलिए एक बार फिर से प्रोफाइल अपडेट में जा देख लेते हैं कि अभी जो हमने नाम चेंज किया है वो चेंज हो के आया है या नहीं यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेट में फिर से आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने रिजनंदन यादव था यहाँ पे तो हमने इसको कुमार किया तो ये यह यहाँ पे आसानी से उसी टाइम यहाँ पे चेंज होके आ गया है इसमें अब कोई भी समय नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग प्रोफाइल अपडेट करते हैं या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक दिन के बाद यहाँ पे शो हो रहा था तो वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे ठीक हो चुकी है तो अब आप लोग किसी भी लाभार्थी का या किसी भी बच्चे के माता या पिता का आधार नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो आप लोगों का उसी टाइम सबमिट होके आ जाएगा उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे किसी एक बच्चे का आधार वेरीफाई कर लेते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर पहले मैसेज जो था यहाँ पर गो टू होम बैक ले के आ रहा था तो आप लोग डायरेक्ट होम पेज पर चले जाते थे लेकिन अब यहाँ पर वो ऑप्शन चेंज हो चुका है यहाँ से आप जैसे ही बैक आएँगे बैक आने के बाद देखिए उसी टाइम यहाँ पे आधार वेरीफाइड होके आएगा यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी अभी हमने इसको वेरीफाई किया और ये वेरीफाई होके उसी टाइम चला आया तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही थी वो अब यहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है तो चलिए एक और लाभार्थी को हम यहाँ पे वेरीफाई करके देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे वेरीफाई आधार वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बच्चे का नाम दिखा रहा है ये हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका यहाँ पे अभी आधार वेरीफाई नहीं हुआ है और यहाँ पे एक अनिता कुमारी है तो चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई आधार लिख के आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पर आधार वेरीफाई वाले पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी आधार वेरीफाई सक्सेसफुली होके चला आया है और यहाँ पर आप बैक हो के यहाँ पे जाके उसका आधार देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दिखाने लगा है तो इसी प्रकार से आप लोग जितने भी लाभार्थी का आधार वेरिफिकेशन अभी बचा हुआ है आप लोग इजीली यहाँ पर कर सकते हैं प्रोफाइल अपडेट में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी आधार एरर की प्रॉब्लम थी वो अब यहाँ पर ठीक हो चुकी है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चौदह के अपडेट आने से क्या आप लोगों की सभी समस्याएं दूर हो चुकी है और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद